नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान के न्यूनतम तापमान में ज्यादा कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं फतेहपुर सीकर का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है। और इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान में संगरिया चूरू का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। अभी भी प्रदेश के बड़े हिस्से में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही मौसम बदलने लगा है और तेज सर्दी की आहट अब सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा और आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में और ज्यादा कमी आएगी। तो सर्दी का असर अब दिखना शुरू हो गया है, जनजीवन उससे प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। और सिरोही के माउंट आबू में ठंड में छूटी कपकपी, फिर से जमाव बिंदु पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। पिछले 3-4 दिनों से हिल स्टेशन के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज 0.0 डिग्री पर दर्ज हुआ है तापमान। न्यूनतम तापमान दर्ज होने से मैदानों वाहनों के शीशे पर ओस की बूंदे जमी है। माउंट आबू में ठंडी हवाओं से ठिठुरन और बढ़ गई है। तो देखिए, आने वाले समय में और ज्यादा तेज हो सकती है और जिस तरीके से कोहरा भी छाया हुआ है, और आपको बता दें कि लगातार अब ठंडी लहरें चल रही है, ठंडी हवा का समय चल रहा है। मैदानों में वाहनों पे शीशों पर ओस की बूंदें जम रही है। माउंट आबू की अगर बात करें तो ठंडी हवाओं से यहाँ पर ठिठुरन और बढ़ गई और आने वाले समय में तापमान जो है अलग अलग जिलों में और उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दामोदर, अब जो है धीरे धीरे ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए दिसंबर भी अब जैसे तैसे सर्दी और इसमें बढ़ने वाली है और आने वाले समय में और कई जिले ऐसे हैं जिसमें और तापमान गिर सकता है। फिलहाल वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है मौसम को लेकर? जी चंद्र, सिर्फ बताना चाहूंगा कि हम अभी नागौर में हैं। नागौर के तापमान की बात करें तो लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे तक यहाँ पर हल्का कोहरा छाया रहता है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित रहता है। साथ ही जो वाहन चालक है उनको हेडलाइटें जलाने को मजबूर कर रही है। वहीं प्रशासन की बात करें तो सर्दी को लेकर प्रशासन भी अब धीरे धीरे एक्टिव होने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार जो गरीब तबके के लोग हैं वो सड़कों पर जो रहते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में, उनके जो रहने के जो इंतजाम है वो अब प्रशासन धीरे धीरे करने में जुटा हुआ है। जी चंद्र सिंह, दामोदर देखा जाए तो अभी कई जगह पर देखिए अभी कई जगह ऐसा है जो तापमान और ज्यादा गिर रहा है। इससे वाहनों को भी उन शीशों पर मैदानों पे उसकी बूंदे छाई हुई है और ठिठुरन ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है वहां पर लोगों की, क्योंकि देखिए अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी उससे ज्यादा परेशानी भी हो सकती है, ऐसे में मौसमी बीमारियां भी होती है, उसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है दामोदर। जी चंद्र सिंह, लगातार जिस प्रकार मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे वैसे जो आमजन है उनमें भी जो सक्रियता है जो ठंड से बचने के लिए वो नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुबह से ही जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते समय जो गर्म कपड़े हैं उनका सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कई जगह पर अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो गर्म पकवानों की दुकानें हैं वहां पर भी अब सुबह से ही जो लोगों की भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही हम बात करें जो मौसमी बीमारियां हैं, क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ ही जो मौसम में बदलाव हुआ है, इसके साथ ही जो मौसमी बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ना शुरू हो गई है, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग भी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और लगातार जो अस्पतालों में है वो बच्चों और जो बड़े बुजुर्ग है उनमें मौसमी बीमारियां देखने का असर मिल रहा है और बड़ी तादाद में जो मरीज है वो यहाँ अस्पतालों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, साथ ही चिकित्सा विभाग की जो अलग अलग टीमें भी इस मौसमी बीमारियों को लेकर गठन कर दिया गया है और अलग काउंटर भी बना दिए गए हैं, ताकि जो मौसमी बीमारियों से ग्रस्त जो बीमार लोग हैं उनको आसानी से देखा जा सके।
ठीक है दामोदर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी लक्ष्मी भी हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके गुजरने से मौसम बदलने भी लगा है और तेज सर्दी की आहट अब ज्यादा सुनाई दे रही है। दौसा में फिलहाल क्या हालात है? जी चंद्रश्री, देखिए पिछले 4 दिन पूर्व जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसके चलते दौसा जिले में भी इसका असर देखा गया था। मावठियां हुई थी, बारिश हुई थी, हालांकि जो मावठ हुई थी उससे किसान काफी हद तक खुश दिखाई दिए थे, क्योंकि उसकी वजह से फसल को जो पानी है वो मिला, लेकिन जो सर्दी का असर है वो कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ा और 3-4 दिन तक यहाँ जो सूर्य देव उसके दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते गलन और ठिठुरन बड़ी, अभी भी जो गलन ठिठुरन है वो बड़ी। हालांकि अभी जो फिलहाल है मौसम दौसा जिले में साफ है, सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो गलन और ठिठुरन है उसकी वजह से जो बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर आर डी मीना से हमारी बात हुई, मौसम को लेकर उनका कहना है कि जो गलन और ठिठुरन है ऐसे में सबको ध्यान रखना होगा, जो पेय पदार्थ है वो गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेना होगा, कहीं कहीं जो बड़े बुजुर्ग उनको अलाव का भी सहारा देना होगा गलन से बचाने के लिए, कहीं जो ठिठुरन है और जो गलन है वो बीमारी पैदा कर सकती है, ऐसे में इससे बचने के लिए जो अलाव या गर्म पेय पदार्थ है या जो पूरा शरीर है ढक के वो रखना होगा, जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर जाए, अन्यथा जब घर से बाहर जाना पड़े तो पूरा शरीर ढक के जाए ताकि सर्दी नहीं लग सके, सर्दी का एहसास नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो पश्चिम विक्षोभ है वो लगातार सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। आगामी दिनों मौसम विभाग का भी मानना है कि आगामी दिनों में भी पश्चिम विक्षोभ का असर है वो दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल जो ये कह सकते हैं कि दौसा जिले में जो ठंड है, ठिठुरन है, गलन है, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों की दिनचर्या कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है। माना जाता है कि दिसंबर और जनवरी के 2 माह सर्दी के लिए बड़े माने जाते हैं और 2 माह में सर्दी काफी हद तक पड़ती है, ऐसे में जो बचाव के लिए वो गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं के जो लोग है जो गर्मी के जो खाने का पदार्थ है जैसे मूंगफली है, गजक है, उनका भी सहारा ले रहे हैं, तो वही गर्म पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, गर्म पकवानों का सहारा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव के लिए ये चीजें बेहद जरूरी मानी जाती है। जी बिल्कुल लक्ष्मी, तो ऐसे में जब सर्दी का मौसम होता है तो इन सब चीजों की जरूरत होती है ताकि शरीर में जो है वो ठंड का असर इनसे कम हो जाता है। बच्चों की अगर बात करें तो ज्यादा उन पर असर देखने को मिलता है, क्योंकि स्कूलों का समय भी देखिए अब कम भी कर दिया जाता है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। तो स्कूल के टाइमिंग को लेकर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, और क्या लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा ठंड पड़ सकती है राजस्थान में? देखिए बिल्कुल अभी ठंड का जो असर है पूरे प्रदेश में वो शुरू हुआ है, हालांकि जो बच्चों की स्कूल का टाइमिंग है फिलहाल जो वही है 8 बजे से टाइमिंग रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पश्चिम विक्षोभ का असर यहाँ बढ़ रहा है लगातार, तो उसको देखते हुए हो सकता है आगामी दिनों में जो प्रशासन है वो बच्चों के स्कूल के समय को लेकर कोई परिवर्तन करे। फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर दिख रहा है उसको देखते हुए फिलहाल अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया पूरे प्रदेश में, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ठिठुरन में स्कूल जाने में भी कतराने लगे हैं, परिजनों को भी परेशान हो रही, परिजन भी शायद तो मुनासिब नहीं समझ रहे उनको ठंड में स्कूल में समय से भेजना, ऐसे में जो धूप निकलती है कोई वो स्कूल अरे अन्यथा वो नहीं भेज पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आगामी दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है। ठीक है, आने वाले दिनों में और ठंड ये बढ़ सकती है। मेरे सहयोगी दामोदर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दामोदर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पे अगर बात की जाए तो बच्चों की स्कूल के टाइमिंग को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए, क्योंकि ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिलता है और ऐसे मौसम में बच्चे स्कूल जाने से भी कतराते हैं, बच्चे नहीं बूढ़े भी और जवान भी, सभी को ठंड का एहसास तो होता ही है, तो इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कुछ बदलाव किया गया और क्या वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए सर्दी अब आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल चंद्रश्री, नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर जो बच्चों के स्कूल का समय है वो लगातार बदलाव किया जा चुका है, क्योंकि जो दिसंबर का माह शुरू होते ही बच्चों की जो स्कूल का टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो सर्दी के अंदर ठिठुरन में स्कूल ना पहुंचे और सूर्य जो उदय होने के बाद ही जब धूप आ जाए उसके बाद स्कूल में पहुंचे, ताकि बच्चों को सर्दी का एहसास ना हो। इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचने के बाद प्रार्थना होने के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा भी इन्हें गर्म दूध दिया जा रहा है ताकि बच्चों को सर्दी से एहसास ना हो। वहीं हम बात करें तो सर्दी की, तो नागौर में अभी लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और तापमान दर्ज यहाँ पर 6 से 8 डिग्री तक का दर्ज किया जा रहा है न्यूनतम तापमान। जी बिल्कुल दामोदर, तो ऐसे में कोहरा भी बढ़ेगा और कोहरा बढ़ेगा तो आने जाने वाले जो व्हीकल्स है उनको भी, लोगों को भी परेशानी होगी क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं?
जी बिल्कुल जी चंद्रश्री, जिस प्रकार जो तापमान में गिरावट आएगी, कोहरा आएगा, तो इसको लेकर वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार अभी हाल ही में जो कोहरा है वो हल्का कोहरा होने के कारण यहाँ पर अमूमन जो वाहन है वो अपनी रफ्तार में ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा और वाहनों की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन, जो यातायात पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि कोहरे के कारण ही बड़े हादसे होते हैं और वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अमूमन एक्सीडेंट कोहरे के कारण ही होते हैं। इसको लेकर अब यातायात पुलिस द्वारा जो रिफ्लेक्टर है, वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो आगे चल रहे हैं वाहन उनको दिखाई दे कि आगे वाहन चल रहा है और जो कोहरा है उसके कारण किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। जी बिल्कुल, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है दामोदर ऐसे में, और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि रास्ते नहीं होते, ऐसे में एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावनाएं भी होती है। दामोदर जी बिल्कुल, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण ही जो कोहरा है वो छा जाता है और जो वाहन चालक है उनको जो सुबह का जो समय रहता है वहां पर दिन का, जिसमें उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों के जो आगे की जो सीमा रहती है उसमें भी वो वाहन चालक जो आसानी से देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण अमूमन हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में देखकर जो यातायात पुलिस प्रशासन है वो अब पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्ट न लगे हुए हैं उन पर लगातार अभियान चलाकर रिफ्लेक्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दामोदर और लक्ष्मी अवतार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए ठंड का कहर